सो द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स पी एंड एस विथ चार्ज क्यू ऑन ईच रिपेल इज अदर विथ अ फोर्थ सिक्सटी न्यूटन अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर आर इज सली ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट विद द टू स्पेयर्स दैन द न्यू फोर्सन बिटवीन पी एंड एस इज तो क्वेश्चन में ये बोला है कि भैया आइडेंटिकल इस शब्द को समझें यहाँ पर दो आइडेंटिकल स्पेयर हैं एक है पी और एक है एस इन दोनों के ऊपर चार्ज क्यू क्यू है ठीक है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भैया है, रिपेल कर रहे हैं किस फोर्स से 60 न्यूटन से तो मान के चलते हैं भैया है, ये इसको 60 न्यूटन से इधर भेज रहा है ये भी इसको 60 न्यूटन से इधर भेज रहा है तो भैया ये इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है आर तो ये क्या होगा सिक्सटी न्यूटन क्या होगा इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये कितना हो गया आपका सिक्सटीन न्यूटन ठीक है ये आपको दिया हुआ है अभी तक अब बोला है थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर आर इक्सेवली ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ टू स्पेयर अब बात को समझिए तो कहने का मतलब ये है कि एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर है सेम दिख रहा है उसको पहले इस पर टच करवाएंगे उसके बाद इस पर टच करवाएंगे और फिर फेंक देंगे ये है क्वेश्चन और ये एन एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन सेम लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पर चेंज की गई है बस और कुछ नहीं अब ध्यान समझिए दो कंडक्टर जब कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर चार्ज शेयरिंग होती है कब तक होती है भैया जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता हमेशा ध्यान रखेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता मगर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि जिन दोनों कंडक्टर्स को कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है अगर वो दोनों आइडेंटिकल हैं अगर वो दोनों आइडेंटिकल हैं आइडेंटिकल मतलब सेम शेप सेम साइज़ सेम मटेरियल बिल्कुल जुड़वा आइडेंटिकल हैं तो उन दोनों पर जो चार्ज होगा वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे मान लीजिए इसका चार्ज कितना है क्यू इसका चार्ज होगा थ्री क्यू थे तो कॉन्टेक्ट में लाने के बाद और जैसे ही मैं सेपरेट करूँगा क्या होगा दोनों पे चार्ज बराबर आ जाएगा तो भैया बराबर कब आएगा जब ये चार्ज इसको क्यों देगा या फिर ऐसे कर लो क्यू प्लस थ्री क्यू डिवाइड बाई टू तो कितना आया टू क्यू यानी हर एक पे टू क्यू चार्ज होना चाहिए तो ये क्यूँ चार्ज इसको देगा तो शेयरिंग के बाद टू क्यू और टू क्यू बजेगा दोनों पे चार्ज ये कहने का मतलब है तो यहाँ पर क्या होगा भैया अनचार्ज का मतलब होता है उस पर ऊपर चार्ज जीरो है तो पहले मैंने इससे कॉन्टैक्ट में करवाया तो उसके पास था जीरो चार्ज इसके पास है क्यू चार्ज तो क्या हो जाएगा बेटा टोटल ज़ीरो प्लस क्यू और दोनों में बराबर बराबर डिवाइड करना है तो कितना बचा क्यू बाई टू यानी इसके पास चार्ज बच जाएगा क्यू बाई टू और जो अनचार्ज बॉडी है अब उसके पास कितना चार्ज आ जाएगा क्यू बाई टू बात समझ में आई अब वो क्यू बाई टू चार्ज लेके इसके पास आएगा तो इसके पास क्यू चार्ज तो ऑलरेडी है और क्यू बाई टू वो चार्ज लेके आया है फिर से चार्ज शेयरिंग होगी क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर नहीं है ठीक है तो क्या होगा भैया इसके पास क्यू बाई टू है और उसके पास क्यू है तो इस बार ऐसे करेंगे हम क्यू बाई टू प्लस क्यू और डिवाइड बाई टू क्योंकि दोनों बॉडी में शेयर करना है तो ये हो जाएगा कितना एल सी एम लिया टू तो ये हो जाएगा थ्री क्यू डिवाइड बाई टू और ये टू नीचे आया तो थ्री क्यू बाई फोर हो जाएगा यानी एक स्पेयर पे कितना चार्ज आ जाएगा थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर तो उसको मैं यही लिख देता हूँ थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर इसके ऊपर भी थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर होगा मगर उससे हमें मतलब नहीं है इस अनचार्ज बॉडी को हमने यहाँ रख दिया तो इसके ऊपर भी थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर चार्ज आ गया इससे हमें कोई मतलब नहीं है हाल फिलहाल बात समझ में आई अब ये दोनों भी पॉजिटिव ही चार्ज है भैया ये दोनों भी आर डिस्टेंस पे रखें क्योंकि डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं किया गया तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन का फोर्स होगा उसको हम ऐप डेच मान लेते हैं यही हमें है निकालना है तो फॉर्मूला तो हमारा वही लगता है भैया के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर तो जो नंबर है उनको आगे लेके आओ तो ये हो जाएगा थ्री डिवाइड बाई फोर टू जी एट के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या देखी क्वेश्चन में सिक्सटीन तो ये थ्री बाई एट इंटू सिक्सटीन एट से सिक्सटीन गया टू टाइम्स थ्री टू जी हो जाएगा आपका सिक्स न्यूटन ठीक है इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं मतलब हो सकता है ये दोबारा रिपीट हो जाए अगली बार हो सकता है सेपरेशन भी हाफ़ कर दिया जाए कि भैया हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको आर बाई टू का होल स्क्वायर करना पड़ेगा या फिर डिस्टेंस डबल हो जाए या फिर हो सकता है यहाँ पर चार्ज कुछ अलग दे दिए जाएँ ठीक है